कमिश्नर रावलपिंडी के इलेक्शन कमीशन पर धांधली के इल्जामात। इलेक्शन कमीशन की खसूसी कमेटी का पहला इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक कमेटी रावलपिंडी डिवीजन के तमाम DROs और रिटर्निंग अफसरान के बयानात कलम बंद करेगी। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GNN सबीन शहबाज से। सबीन, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल देखिए, कमिश्नर रावलपिंडी के इलेक्शन कमीशन पर धांधली के इल्जाम के हवाले से इलेक्शन कमीशन की खसूसी कमेटी का इजलास जो है वो आज होगा। ज़राए के मुताबिक जो है कमेटी रावलपिंडी डिवीजन के तमाम DROs और रिटर्निंग अफसरान के बयान जो है वो कलमबंद करेगी, जबकि रावलपिंडी डिवीजन के 6 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स के जो बयान हैं वो कलमबंद किए जाएंगे। उसके ज़राए के मुताबिक जो रावलपिंडी अटक जेहलुम चकवाल तला गंग और मरी के डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान के बयान भी इस हवाले से जो है वो कलमबंद किए जाएंगे, जबकि रावलपिंडी डिवीजन की कौमी असम्बली के 13 हल्कों के रिटर्निंग अफसरान के बयान कलमबंद किए जाएंगे। खसूसी कमेटी जो है वो कौमी असम्बली के 26 हल्कों के रिटर्निंग अफसरान के बयान जो है वो कलमबंद करेगी और इलेक्शन कमीशन की जो इंक्वायरी कमेटी है वो 3 रोज में रिपोर्ट जो है वो कमीशन में पेश करेगी। ठीक है, सभी साथ रहिएगा।